अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करने का तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तब ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे गूगल अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। एक सिंगल लिंक है जिसके ऊपर आप क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से आप गूगल अकाउंट डिलीट कर सकेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चले चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ। सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, लाइक कमेंट शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की मैं इस अमेजिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो उसके लिए आप पीसी पे आज कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें या फिर मोबाइल पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और सर्च करना है डिलीट गूगल अकाउंट। ये आपने सर्च करना है डिलीट गूगल अकाउंट, ये आपने सर्च करना है। ये यहाँ से मैंने सर्च कर लिया है, ये लोडिंग हो रही है। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से गूगल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ये सबसे ऊपर ही आ गया डिलीट गूगल अकाउंट, माई अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम, डिलीट सर्विस और अकाउंट, ये आ गया। इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है यहाँ से, इसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। ये मैंने नए टैब में ओपन कर लिया है। डिलीट अकाउंट करने से पहले आपने ये याद रखना है कि आपने उसी अकाउंट से पहले ही लॉगिन होना है जो अकाउंट आप डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे आ रहा है डिलीट आ गूगल सर्विस, अगर आपको गूगल की सर्विस डिलीट करना चाहते हैं वो, और अगर आप अपना डाटा सेव करना चाहते हैं जो इसमें मौजूद है वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये लिखा आ रहा है एक्सपोर्ट योर डाटा, और उसके बाद ये कोई प्लान अगर आप बना चाहते हैं कि किस डेट को आप एक्टिव इनएक्टिव करना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट तो दोबारा रीएक्टिव भी कर सकते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए आप अपने अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं फिर इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अकाउंट। तो उसके लिए जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ रहा है डिलीट योर गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है डिलीट योर अकाउंट। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, उसके बाद दिखाते हैं आपको कुछ इंटरफेस जो शो होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने अपना वो पासवर्ड लिख लेना है, और पासवर्ड आपने याद रखा और याद हो, आपको याद होना चाहिए। पासवर्ड नहीं याद होगा तो अकाउंट नहीं डिलीट होगा। पासवर्ड आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है, मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देना है। ये लोडिंग ले रहा है। ये बहुत ही इजी वे है गूगल अकाउंट डिलीट करने का, बहुत ही इजी वे से आप गूगल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन दोनों को आपने यहाँ से यस कर लेना है, यहाँ से भी यस कर लेना है, यस आई वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा, या मैंने दोनों पे यस कर लिया। उसके बाद अगर आप अपना डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर दोबारा ही यहाँ पे पूछ रहा है कि आप डाउनलोड डाटा, डाउनलोड योर डाटा, ये हो गया। इसको बाद यहाँ ये सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद लोडिंग होगी और आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वो भी आपको दिखाते हैं कि ऐसा पेज होगा। ऐसा पेज है योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड, मेरा तो सारा गूगल अकाउंट डिलीट हो गया। इफ यू एक्सीडेंटली डिलीटेड योर अकाउंट यू हैव शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई टू रिकवर। ये कह रहा है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है अगर आप दोबारा अपना अकाउंट रिकवर करना चाहते हैं। आप अगर आपसे गलती से अकाउंट डिलीट हो गया तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही आसान तरीका था गूगल अकाउंट डिलीट करने का। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक। Close till I get up.